अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ गोभी वाले पकोड़ों से। मैंने ना शाम को बनाए थे गोभी वाले पकोड़े, बड़े मज़े के बड़े टेस्टी बने थे। मैंने गोभी बनाई थी ना तो उसके फूल मैंने बचा लिए थे तो मैंने ना उसके पकौड़े बना लिए थे। मुझे गोभी के पकौड़े बहुत पसंद हैं और मौसम इतना मज़े का ठंडा ठंडा हुआ हुआ था, बारिश हुई थी तो बच्चों की मेडिसिन लेने के लिए जाना था, क्योंकि रबेर उष्णा की आशिफ की सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई भी थी। तो डॉक्टर से हम लोग दवाई लेने के लिए गए थे, तो रास्ते में तो और मैंने वीडियो बनाई थी, उन्हें कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपने साथ लेके मैं जाऊँ। और ये आप लोग मुझे बताना ये कौन सी जगह है, जो जो रावलपिंडी में रहते हैं उनको पता ही होगा ये कौन सी जगह है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये कौन सी जगह है। तो मौसम बहुत मज़े का था, हमने खूब इंजॉय किया था। कहीं पे सड़कें सूखी हुई थी और कहीं पे सड़कें गीली थी, तो बहरहाल बहुत मज़ा आया था। रास्ते से मेडिसिन हम लोगों ने ली थी। काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था मेरा ना फ्रूट चाट खाने को, तो मैं वापसी पे अपने लिए लेके आई थी फ्रूट चाट, और मुझे ये फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ना एक दिन पहले बनाए थे दाल, तो दिन को मैंने बना लिए थे, साथ इसके चावल बॉयल किए थे, बच्चों के साथ मैं खूब इंजॉय कर रही थी। ओहो मैं खोलती हूँ आपको। आज हम खेल रहे हैं बादशाह का वजीर को, मेरा तो पागे। पर आपको नजर तो नहीं आ रहा ना, आपका क्या है? मम्मा बोला ना वजीर इन दोनों से चोर, आप बोलोगे ये बोलेंगे। इन दोनों में से चोर कौन ये बताएगी? गला गला चलेगी, तेरा नंबर से चलेगी। अब मेरी बारी है, हां आपको फेंको, जल्दी से फेंको नंबर, जल्दी से फेंको, इधर मेरे हाथ पे लिख लो। ये देखें गाइस, हमारे पास कॉपी नहीं है और ये क्लिजिया जो है नंबर लिख रही है मेरे हाथ पे। लिखो जीरो किसके हैं, जीरो क्लिजिया के हैं, बस नाम ना लिखो, बस के लिख दो, बस बस के लिख दो, आपका फिर होगा ना। ठीक है, के की लिख रही हो, आ लिख दिया ई लिख देना, और मेरा और रुशना का आर, मेरा मैं हूं, दोनों आर से हैं, मैं हूँ बड़ी इसके बाद। हाँ चलो नंबर तो डालो, नंबर डालना है जीरो आते रहे और आपके हजार और मेरे 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 मतलब मेरे पाई था, मेरे पाई था, जब मेरे पाई था, मेरे स्पाई था 25 है ना, हाँ इसके 25 है इसके, हाँ मेरे 20। चलो ये हमारे हो गए मार्क्स, चलो दोबारा से फेंको, 5 2 3 गो। ओहो मेरे इसे की कहाँ गई, ये है मेरे बादशाह बादशाह का वजीर कौन, दो बताओ कौन है वजीर, मैं ही होंगी यकीनन, जी हजूर जी हजूर। इन दोनों में से चार कौन, रुशना गलत तू नहीं चोर आई जा रही हूँ बार बार मैं तो सफाई, चलो मुझे पैसे मिल ही जा रहे हैं ना, थोड़े थोड़े पैसे भी मिल रहे हैं। बिल्कुल तो जीरो आए थे, उसके जीरो आए नहीं, फिर मम्मा के जीरो है, मम्मा के जीरो, और मेरे 500 बेल और मेरे 25 इसके दोबारा 25। मम्मा नहीं थे कि मैं पकड़ती हूँ, पता नहीं बादशाह बादशाह का वजीर कौन, हमेशा कलेजिया की आएगी बादशाह, इन दोनों में से चोर कौन, इन दोनों में से चोर मम्मा चिट्ठी क्या होता है, तेरे कितने 25 उल्टा बात करी थी अभी मैंने, डाल दिया मेरे रिबेल, मेरे कितने 500 हाँ 500। चलो अब मेरे फेंकने की बात, चलो फेंको, मुझे नहीं आया नहीं लगाई, इतने ज्यादा अंडे मेरे 20
अड्डे तेरा मेरा मेरा वजीर था मेरे मम्मा मेरा बादशाह था मेरा बादशाह था नहीं तेरा 25 मेरा बादशाह था इसका क्या मेरा बादशाह हजार इसका हजार है काला गिरिश ना चलो जी चलो आपका फेंकने की बारी थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी कढ़ी और बहुत टेस्टी बनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा व्लॉग देख रही हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टेस्टी बनी हुई थी और मैंने बनाई थी अपने बच्चों के लिए फ्रूट चाट, क्योंकि बच्चे ऐसे तो फ्रूट खाते नहीं हैं। तो मैंने ना जल्दी जल्दी से केले और सेब जो थे वो मैंने काट लिए थे और काटने के बाद इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया था। चाट मसाला डालने के बाद मैंने एक ना ऑरेंज इसके ऊपर ऑरेंज का जूस जो था वो मैंने इसके ऊपर डाला था। तो ऐसे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है चाट और मेरी दोनों बेटियों को भी बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग बताएं कि आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अनकरीब मैं आप लोगों के साथ एक अपना सेलिब्रेशन ब्लॉग शेयर करूँगी इन जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, तो उस ब्लॉग में मैं आपके साथ सारी सेलिब्रेशन जो थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शॉपिंग करने से लेके और डेकोरेशन, और डेकोरेशन के बाद जो हम सेलिब्रेट करेंगे वो। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और मेरे साथ कमेंट्स कर रहे हो। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को उस व्लॉग का वेट है कि नहीं। तो अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किया तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और ना ये बिस्किट मेरे लिए लेके आया था हाशी, शुक्रिया बहुत बहुत हाशी मामा की जान। आप लोग बताना किस किस को ये वाले बिस्किट पसंद है। मुझे तो ये वाले बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है और हैं भी ये कोकोनट में बने हुए। अच्छा ये एक दो दिन के ब्लॉग में इकट्ठे आप लोगों के साथ शेयर करी क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बिजी होने की वजह से मैं इतने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, लेकिन जो जो मुझे टाइम मिलता है, जैसे जैसे ब्लॉगिंग का टाइम मिलता है, मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे रात को हम लोग गए थे ऐसे बाहर घूमने के लिए, तो बुखार की वजह से मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है तो कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। पकाने को पकाया हुआ था लेकिन दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे यहाँ का रोज सेवर का ले दें। और ये मेरे दो जो कप थे ना उनकी ये हालत हुई भी थी, टाइम अपना पास करने के लिए मैंने इन दोनों कपों को ना अपनी लैसेस के साथ डेकोरेट किया। आप लोग बताना आप लोग को कैसे लग रहे हैं। जब मैं अपने सैलून में होती हूँ, सैलून में अपनी बच्चियों के साथ ये ऐसे खेलते खिलाते टाइम गुजर जाता है। आज का व्लॉग कैसा लगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मैं सेलिब्रेशन व्लॉग में मिलूँगी, लेकिन उससे पहले मेरा कोई और व्लॉग आएगा। अल्लाह हाफिज़।